सो वेलकम टू व्हाट्सएप गाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई दोस्तों कुछ इस तरीके की दोस्तों एकदम HD हाई क्वालिटी में दोस्तों फोटो को एडिट करना दोस्तों सिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, येलो टोन में दोस्तों आपका भाई दोस्तों फोटो को एडिट करके दोस्तों सिखाने वाला है। तो हमारी रियल फोटो दोस्तों कुछ इस टाइप की बहुत ख़राब सी फोटो, एकदम लो क्वालिटी की फोटो है। इस फोटो को आपका भाई कुछ तरीके से एडिटिंग करके दोस्तों सिखाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना है ताकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपका भाई जो आपके साथ ट्रिक एंड ट्यूटोरियल शेयर करने वाला है वो एकदम जेन्युइन एंड रियल ट्रिक है। आप लोग भी इस ट्रिक को फॉलो करके मेरी जैसी फोटो को दोस्तों एडिट करना सीख जाएंगे बहुत कम समय के अंदर। तो मैं दोस्तों कर लेता हूँ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज मैंने अपनी फ़ोटो को गैलरी से शेयर कर लिया है लाइट ट्रू मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं दोस्तों यहां से डायरेक्ट लाइट ट्रू मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। तो ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। आ जाने के बाद दोस्तों आपको ऑल फोटोज़ वाले फोल्डर पर क्लिक कर देना है जो कि आपकी फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से मैं दोस्तों अपनी फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों आपकी फ़ोटो कुछ इस टैब से लाइट ट्रू मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चले जाना है दोस्तों यहां पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करके कलर वाले आइकन पे। आपको कलर वाले आइकन पे चले जाने के बाद दोस्तों इसकी टेम्प की वैल्यू को -14 के समथिंग कर देना है, कुछ इस टैब से -14 के समथिंग कर देना है। उसके बाद इसकी टेंथ की वैल्यू को दोस्तों -19 या 20 के समथिंग कर देना, कुछ इस तरीके से इसको -19 या 20 के समथिंग कर देना है। इसको -20 के समथिंग कर लेना है। फिर इसकी वाइब्रेंस के दोस्तों पकड़ के दोस्तों -18 या 17 के समथिंग कर देना है, जिसको दोस्तों -18 के समथिंग कर लेना है आपको। फिर दोस्तों आपको इसकी सैचुरेशन को तो पकड़ के दोस्तों +58 के समथिंग कर देना, कुछ इस तरीके से पकड़ के +58 के समथिंग कर देना है। तो इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर कोने में मिक्स कलर के आइकन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों आपका बैकग्राउंड ग्रीन है तो सबसे पहले आप ग्रीन कलर को ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसकी ह्यू को पकड़ के दोस्तों -98 के समथिंग कर देना, कुछ इस तरीके से -98 के समथिंग कर देना है। तो -99 मैंने कर दिया, मतलब -100 कर दिया तो दोस्तों चल जाएगा। इसकी सैचुरेशन को पकड़ के दोस्तों +29 के समथिंग कर देना, कुछ इस तरीके से +29 के समथिंग कर देना है, +29 या 28 के समथिंग कर देना है। और इसकी ल्यूमिनस की वैल्यू को -1 कर देना है, कुछ इस तरीके से -2 कर दिया मैंने। और दोस्तों येलो कलर को छोड़ देंगे, येलो कलर को नहीं इसकी कलर ग्रेडिंग नहीं करनी है। आपको ऑरेंज कलर पे चले जाना है जो कि दोस्तों हमारा फेस का कलर होता है। इसकी ह्यू को 0 रखेंगे दोस्तों, इसकी सिचुएशन को पकड़ के -32 या 33 के समथिंग कर लेंगे, जिसको दोस्तों -32 के समथिंग आपको कर लेना, कुछ इस तरीके से -32 के समथिंग कर लेना है। इसकी ल्यूमिनस की वैल्यू को पकड़ के दोस्तों +42 के समथिंग कर लेना, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इसको +42 के समथिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने +42 के समथिंग कर लिया है। फिर दोस्तों आपको यहां से दोस्तों रेड कलर पे चले जाना है। रेड कलर पे चले जाने के बाद इसकी सैचुरेशन को पकड़ के दोस्तों -45 के समथिंग कर देना, कुछ इस तरीके से पकड़ के -45 के समथिंग कर देना है। इसको कुछ तरीके से 45-46 के समथिंग कर देना है। और इसकी ल्यूमिनस की वैल्यू को पकड़ के +22 के समथिंग कर देना। तो यहाँ से दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से 22 के समथिंग कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ से इस फोटो को डन कर लेना है। डन कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, डाउन करेंगे तो आपको ऊपर मास्किंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको कलर रेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस टाइप से अपने स्काई पर दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों कुछ तरीके से कर देना है। इसकी ओपेसिटी को दोस्तों रेंज को तो कुछ तरीके से हल्का सा आगे को इंक्रीज कर देंगे। इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। चले जाने के बाद दोस्तों इसकी दोस्तों टेम्प की वैल्यू को दोस्तों -62 के समथिंग कर देना, कुछ तरीके से पकड़ के -62 या 63 के समथिंग कर देना है। इसको मैंने दोस्तों माना -62 रख दिया है। और साथ ही दोस्तों इसकी टेंथ की वैल्यू को पकड़ के -62 इसको भी कर देना, कुछ तरीके से -62 कर देना है। तो मैं दोस्तों इसको भी 62 या 63 के समथिंग कर लेता हूँ। तो कुछ तरीके से दोस्तों इसको -62 कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इसको दोस्तों मैंने 62 कर दिया है, कुछ तरीके से 61 या 62 के समथिंग कर लेना है। मैं दोस्तों इसको कुछ तरीके से
देख सकते हैं दोस्तों इसको 61 या 62 के समथिंग कर देना कुछ तरीके से पकड़ के। मैं दोस्तों इसको 62 के समथिंग कर दिया हूँ। इसकी दोस्तों इसकी सेचुरेशन को पकड़ के दोस्तों 51 के समथिंग कर देना कुछ तरीके से पकड़ के दोस्तों 51 के समथिंग कर देना। तो यहाँ से पकड़ के 51 या 50 के समथिंग कर देना। इसको 51 कर दिया है। फिर दोस्तों आपको यहाँ से राइट एंड क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको चले जाना दोस्तों ऊपर की ओर। यहाँ से ऑप्शन को स्क्रॉल करना है। आपको दोस्तों इफेक्ट वाले आइकन पे चले जाना है। चले जाने के बाद दोस्तों इसकी वैगनेट की वैल्यू को पकड़ के दोस्तों आपको -60 कर लेना है। इसकी वैगनेट की वैल्यू को पकड़ के -60 के कर समथिंग कर देना। तो कुछ तरीके से 60 के समथिंग कर देना है आपको। फिर आपको दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट पे पकड़ के दोस्तों इसको +57 के समथिंग कर देना है। कुछ तरीके से 57-58 के समथिंग कर देना है। तो मैंने दोस्तों इसको +57 के समथिंग कर दिया है। फिर दोस्तों आपको कुछ तरीके से बैक चले जाना। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर बी आफ्टर कितनी ख़राब सी फोटो। दोस्तों आपकी फ़ोटो एकदम HD हाई क्वालिटी में दोस्तों एडिट हो चुकी है। दोस्तों इस फोटो को सेव करने के लिए आपको ऊपर कोने में शेयर वाले आइकन पे क्लिक कर देना। सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके इस फोटो को दोस्तों आपको सेव कर लेना है एकदम HD हाई क्वालिटी में अपनी गैलरी के अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी फ़ोटो गैलरी में दोस्तों सेव हो चुकी है। तो ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कीजिए लाइक। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर गाइज़।